मैया पूरे देश भर में एक बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा पर विश्वास करके अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सहारा ग्रुप में निवेश किया था। लोगों ने सहारा में पैसे निवेश करने के बाद सपने में भी यह नहीं सोचा था कि ब्याज तो दूर अपनी मूल रकम के लिए भी काफ़ी परेशान होना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेहद खास पलों के लिए सहारा पर पैसे निवेश कर रखे हैं, लेकिन निवेशकों को अपने ही पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं इसी मामले को लेकर मैयर के निवेशकों ने मैयर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के पास गुहार लगाई, जिसके बाद मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने सहारा कंपनी के निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनकी कमाई का एक एक पैसा उन्हें तुरंत दिलवाया जाएगा, इसीलिए वो एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे जिसमें सभी प्रकार के निवेश समृद्ध होंगे। और उन निवेशकों को जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई सहारा को दिया था, उसे वापस लाने का कार्य करेंगे। साथ ही मैयर में संचालित हो रहे चिटफंड कंपनी के खिलाफ मोर्चे खोलने का भी काम करेंगे। वो कारण से हमारे लड़के का सहारा में पैसा जमा है, आज कई साल से उसका पूछ चुका है, पैसा नहीं मिल रहा, और ख्वाजबी का भी पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे घर वालों की दो जनों को पैसा नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं। वो कह देते अर्जेंट कि पैसा मिलेगा, अब पैसा दे नहीं रहे हैं। कब मैच्योरिटी हो गई थी? पूछ गया, 5 साल पूरे हो गए हैं। कब हो गई जी? अभी पूछ गया जी, पूछ गया अभी। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मिल जाएगा पैसा, क्यों परेशान हो आप, बार बार आते हो मेरे घर, ना आया करो, पूछ जाएगा तो मैं बताऊंगा आपसे, और बस हो गया, कहीं के टरका देते हैं। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी बोले तो हैं कि मिलने के लिए पैसा, कुछ प्रोसेस बताए हैं कैसे? जी अभी हम बाद में भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, कचलोहा मोहल्ला। सर हम आज आप लोग यहाँ आए? हम सर साई प्रकाश से पैसे जमा किए थे जी, तो उसमें पैसे लेके हम लोगों को भाग गई हो, मंत्री जी द्वारा हम लोग सूचना मिली, विधायक जी द्वारा, त्रिपाठी जी द्वारा, तो वही हम लोग यहाँ पर आए थे। और हम लोगों का आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला कि आप एजेंटों के द्वारा कागज दे दीजिए जो आपको रसीद दी होती गई थी। जमा किए थे हम 8 लाख रुपए जमा किए थे, 5 उसमें थे मानो आदमी पिताजी और हमारे, हम गोविंद सिंह हैं ग्राम बारी से। देखिए इस तरह की बहुत फ्रॉड कंपनियां यहां आई और उन जगहों पर इस तरह की फ्रॉड कंपनियां बस जाती हैं जिस जगह पर किसानों को किसी भी विषय पर मुआवजा मिलता है और बनता है, इसलिए कि वही जानते हैं कि गांव का गरीब आदमी है, किसान आदमी है, पैसा कहीं ना कहीं बैंक में जमा करेगा। इस तरह फ्रॉड कंपनियां तमाम हैं, पर इसके साथ ही एक साई है और अन्य कंपनियां भी हैं, पर सहारा कंपनी एक बहुत जिम्मेदार आदमी के, बहुत सम्मानित कंपनी थी, पर सहारा कंपनी के द्वारा भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। लोग अपने पेट को काट के लड़के बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चियों की शादी के लिए जमा किए हैं और आज वो लोग भटकते भाग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। तो मैं इस विषय पर भी आज मीटिंग किया था कि हमारे बिंद के जो लोग पीड़ित और परेशान हैं इस तरह की फ्रॉड कंपनियों के संबंध में, तो सहारा के संबंध में सबसे ज्यादा परेशान है। तो मेरा कहना है कि सभी लोग आए मेरे ऑफिस में, कार्यालय में शिव शुक्ला बैठता है, तो शिव शुक्ला के पास अपना आवेदन जमा करें, कितना पैसा था, क्या था, उनका पैसा दिलाने का काम करेंगे। मैं विधानसभा में क्वेश्चन लगाया और ये लड़ाई लड़ेंगे और बिंद के सभी लोगों को सहारा कंपनी के फ्रॉड से निपटते हुए पैसा दिलाने का काम करेंगे। मैयर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।